लौकी की टेस्टी और जल्दी बनने वाली रेसिपी अगर आपको ट्राई करनी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे लौकी की सिंपल सब्जी जिसे प्रेशर कुकर में बनाया मैंने। ये सब्जी हार्डली 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। ये आपके लंच बॉक्सेस के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए हमें दो मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए जिसे स्लाइसेस में काट लेना है। एक मीडियम साइज़ का लौकी ले लेंगे जिसे पील करने के बाद इस तरह से टुकड़ों में हमें काट लेना है। साथ ही दो छोटे साइज़ के टमाटर को हमें रफली चॉप कर लेना है और दो हरी मिर्च ले लेंगे। अब बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए एक प्रेशर कुकर गर्म किया मैंने। ऐड करेंगे इसमें 3 टेबल स्पून तेल। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें ऐड कीजिए 1 छोटी चम्मच ज़ीरा, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 लौंग, और इसके साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता, 3 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे ऐड किया है मैंने 1/2 छोटी चम्मच नाइजीला सीड कलौंजी। सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखिए यहाँ पे। जैसे जीरा चटक जाए तेल में, हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, और प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक ही भूनना है हमें। हार्डली आपको 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा इसमें लो टू मीडियम फ्लेम के बीच। तो यहाँ पे देखिए प्याज का रंग गुलाबी हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका कच्चा फ्लेवर ख़त्म ना हो जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे भून लीजिए। तो यहाँ पे अदरक लहसुन भून चुका है, तब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वान्टिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब एक बार बस इसे मिक्स कर लेते हैं, बाकी हम इसमें लौकी ऐड करने के बाद भूनेंगे। तो यहाँ पे लौकी ऐड कर देते हैं। एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए, उसके बाद हम इसमें सारे सूखे मसाले डाल के इसे कुछ देर के लिए और भूनेंगे। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। तो अब डालते हैं इसमें सारे सूखे मसाले। तो सबसे पहले ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। अब डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, इसके बाद यहाँ पे ऐड किया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे इसी स्टेज पे हमें ऐड करना है गरम मसाला पाउडर। मसाले के साथ लौकी को हम लगभग 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि मसाले का कच्चा फ्लेवर ख़त्म ना हो जाए। आप देखेंगे कुछ ही देर में लौकी पानी रिलीज़ करने लगेगा, और जब मसाला भून जाएगा तब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो लगभग यहाँ पर 2 मिनट हो चुका है इसे भूनते हुए। कलर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा आ गया है। तो लगभग 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इस स्टेज पे ऐड कीजिए बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और इसके साथ लगभग 2 से 3 मिनट और भूनिए। इस स्टेज पे धनिया पत्ती ऐड करने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसने कितना मॉइस्चर रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी की क्वान्टिटी बहुत ध्यान से डालनी है आपको, क्योंकि लौकी में काफ़ी सारा पानी होता है, जब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे तो वो रिलीज़ करेगा। तो 1/4 कप से थोड़ा सा कम ही पानी ऐड कीजिए। अच्छी तरह से मिला लीजिए सबको, और इसके बाद हम इसमें विसल लगाएंगे। तो यहाँ पे ढक्कन लगा दिया मैंने। तो मीडियम फ्लेम पे इसमें हमें 2 विसल आने तक पका लेना है। तो यहाँ पर आखिरी सीटी बच गई है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और प्रेशर निकलने के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर पूरी तरह से रिलीज़ हो चुका है, तो ढक्कन खोल के हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी कितनी लाजवाब बनी है, इसका कलर देख सकते हैं। तो थोड़ी से धनिया की पत्ती के साथ इसे गार्निश कर लीजिए, टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। तो पानी थोड़ा सा ध्यान से डालेंगे तो ग्रेवी की थिकनेस बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए गाढ़ी ग्रेवी वाली ये सब्जी बहुत ही लाजवाब बनती है और बहुत जल्द बन जाती है। लौकी बहुत लोग पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो सबको बहुत अच्छी लगेगी। ये लंच बॉक्सेस के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर लिया है। आप इसे रोटी पराठा के साथ सर्व कीजिए, सबको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए Stay healthy, stay blessed, and thank you for watching.